6 अक्टूबर को पाकिस्तान के कराची हवाई अड्डे के पास एक विस्फोट हुआ, जिससे पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। पाकिस्तान में चीनी दूतावास के मुताबिक इस विस्फोट में 2 चीनी लोगों की मौत की खबर आई है, जबकि 1 चीनी शख्स घायल है। घटना में कुल 11 लोग घायल हैं। रॉयटर्स के अनुसार जियो न्यूज ने एक प्रांतीय अधिकारी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि विस्फोट की प्रकृति तुरंत स्पष्ट नहीं थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पत्रकार को ईमेल किए गए एक बयान के अनुसार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने दावा किया है कि इंजीनियरों सहित चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर वाहन जनित विस्फोटक का इस्तेमाल कर हमला किया गया था। जो इनिशियल इतला हुई है वो एक ऑयल टैंकर जो है उसके आग लगने से जो मुतअद्दिद गाड़ियां जो है वो उसकी जद में आई हैं और उससे बहुत सारा कोलेटरल डैमेज हुआ है। उसको हम अभी मजीद असर्टेन कर रहे हैं। या कोई और एलिमेंट जो है तखरीबकारी का वो किस हद तक है जिसको हम अभी रूल आउट नहीं कर सकते। तो ये कहना कि ये कौन टारगेट है या किसको टारगेट किया गया है ये इस वक्त कबल इस वक्त है। हमें जो है वो इस वक्त 2 डेड की इतला आ रही है, उसको भी हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वो इस हादसे के जद में होके आए हैं। गौरतलब है कि बीएलए ने अगस्त के महीने में भी ऐसे हमले किए थे जिसमें 70 से अधिक लोग मारे गए थे। बीएलए पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में स्थित और अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से लगे बलूचिस्तान प्रांत के लिए स्वतंत्रता चाहता है। बीएलए ने विशेष रूप से ग्वादर बंदरगाह में चीन की दिलचस्पी को निशाना बनाने की कोशिश की है। उनका आरोप है कि बीजिंग इस्लामाबाद प्रांत का शोषण करने में मदद कर रहा है। इसी के तहत बीएलए ने कई चीनी नागरिकों को मार डाला है और कराची में बीजिंग के वाणिज्य दूतावास पर भी हमला किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।